एवरीवन, हाउ आर यू? सो आज हम बात करेंगे भारत नेट के बारे में. नहीं, आई नो भारत नेट काफ़ी पुराना हो गया, यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट इट, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवाइविंग पॉइंट, क्योंकि इसमें रिसेंटली इसको रिवाइज करा गया है PPP मॉडल के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू. सो द क्वेश्चन इज कि What has happened कि अब सरकार को ऐसा लग रहा है कि इसमें PPP मॉडल लेके आए हम, एंड what is the probability कि PPP मॉडल जो है इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि टेंडर को डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक आप ऐसा बोल सकते हो कि सक्सेसफुल टेंडर जो होना चाहिए था, जिस तरीके से PPP मॉडल को इन्विजन करा गया था किस तरीके से जाना चाहिए, उस तरीके से जा नहीं रहा है. सो व्हाट इज़ द चैलेंज इन इसके साथ ही, दिस वाज भारत नेट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, बिगेस्ट डिजिटल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, टू मेक इंडियाज डिजिटल इंडिया ड्रीम कम ट्रू. बट हैज़ दैट हैपन्ड? क्या चैलेंजेस रहे हैं? इसके साथ ही मैं भारत नेट का कंप्लीट पिक्चर देखेंगे, PPP मॉडल में क्या उम्मीद करी जा रही है, भारत नेट है क्या, भारत नेट के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों इसको इन्विजन करा गया था, और तीसरा चैलेंजेस क्या हैं. CAG की एक रिपोर्ट आई थी इसके अंदर, CAG की रिपोर्ट ने इसमें कुछ फॉल्ट्स, या मान लो कि आप ऐसा बोल लो कि कुछ ऐसी बातें बोली थी कि ये इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि वाई इंडियाज डिजिटल इंडियाज ड्रीम इज़ नॉट कमिंग ट्रू. सो विल जस्ट सी द कंप्लीट पिक्चर. इसका यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको UPSC के अंदर दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी और स्टेट एग्जाम के लिए लिख रहे हो, अगर कहीं पर भी डिजिटल इंडिया का क्वेश्चन आता है, या फिर यू नो पर्टिकुलरली सिर्फ भारत नेट पर भी सवाल आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, एंड ऑल्सो द क्वेश्चन ऑन द PPP कैन ऑल्सो कम कि PPP मॉडल की सक्सेस बताओ कि इसको क्यों यूटिलाइज करा जा रहा है, देन पुट एग्जाम्पल ऑफ दिस भारत नेट. और इसका आप सही जगह पे सही एग्जाम्पल तभी पुट कर सकोगे जब आपको पूरी पिक्चर पता होगी. सो स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स. भारत नेट जो आपने अभी तक UPSC में पढ़ा है, इसे थोड़ा सा हटके हम बढ़ेंगे एंड वी विल जस्ट सी द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट, राइट? सो हुआ क्या है कि देखो, अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और इसके लिए टेंडर्स भी फ्लोट हो गए हैं. तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोला है कि जो 16 स्टेट्स हैं इसके अंदर हम इसके एक रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, क्योंकि जो जिस रेट से हम डेटा चाह रहे थे, जिस रेट से हम इसको सक्सेसफुल होना बनाना चाह रहे थे, वो दैट हैज़ नॉट हैपन्ड. तो इसीलिए एक रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी लेके आई गई है, PPP, विच इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जितने भी अनइनहैबिटेटेड विलेजेस हैं जहाँ पे लोग बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पे भी बियॉन्ड ग्राम पंचायत, अभी तक हम लोग 2.5 लाख ग्राम पंचायत की बात कर रहे थे कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत के अंदर हम भारत नेट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन 16 स्टेट्स के अंदर बियॉन्ड ग्राम पंचायत इसको एक्सटेंड करने की बात कर रही है. तो ये जो रिवाइज्ड स्ट्रैटेजी है, दिस विल इंक्लूड क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना जो ऑलरेडी बिल्डअप है, अगर सक्सेसफुल नहीं तो उसको अपग्रेड करना, इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स लगा के चले जाते हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो वो वर्क करना बंद कर देता है, या फिर उसका जो पर्पज़ है वो दूसरा ही हो जाता है. एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द भारत नेट ऑल्सो, ये कम्पिटेटिव इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस चलाया जाएगा, हालांकि इसमें अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ आया नहीं है अभी तक, ठीक है. और इसके अंदर साथ ही में एक वायबिलिटी गैप फंडिंग भी अप्रूव करा जाएगा, लगभग 19,41 करोड़ का, अबाउट द PPP मॉडल तो है ही, इसके साथ में 19,41 करोड़ का एक वायबिलिटी गैप फंडिंग भी लगाया जाएगा, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉल हो रहा है, जो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड करने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर को लगाने के लिए, या हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको लगाने के लिए, तो उसके लिए एक वन टाइम ग्रांट दिया गया है, वायबिलिटी गैप फंडिंग 19,41 करोड़ का. और इसके साथ ही में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो है ही, तो इसके अंदर ये फाइनेंस बिल्ड एंड ऑपरेट मॉडल पर वर्क करेगा. सिग्निफिकेंस क्या है PPP मॉडल की? तो ये वाली जो सिग्निफिकेंस है ना PPP मॉडल फॉर भारत नेट, आप इसको अगर किसी और के लिए भी आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हाईवेज़ के लिए बात करी जाती है, या आपको स्कूल्स के लिए बात करी जाती है, या आपको हॉस्पिटल्स के लिए बात करी जाती है कि उनमें PPP मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, आपके ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम रहेंगे. अंदर का डेटा अकॉर्डिंगली कौन से टॉपिक पर पूछा गया है आप उस पर चेंज कर सकते हो, जैसे कि इन्हांस्ड इफिशियंसी है, क्योंकि एक चीज़ तो होता है कि प्राइवेट में हमेशा बहुत बात करते हैं कि अरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इफिशियंसी तो होगी, ऑर्गेनाइजेशन तो हो गई, सरकार है थोड़ी ढीली ढीली चलती है. हालांकि ये बातें सही नहीं है, लेकिन फिर भी दिस इज हाउ इट गोज. तो दे डेफिनेटली हैव एंड विल इंप्रूव द इनहांस्ड इफिशियंसी ऑल्सो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो इफिशियंसी फॉर ऑपरेशन, मेंटेनेंस, यूटिलाइजेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन है, इसको लेवरेज करा जाएगा, इसको यूज करा जाएगा. देन सेकेंड इज द स्पीडी इंप्लीमेंटेशन. अब हम जो बोलते हैं ना कि
कि फाइल फंस गई है, फाइल आगे मूव नहीं कर रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा सा फास्टर रोल आउट होगा, क्योंकि प्राइवेट ऑलवेज लुक फॉर द प्रॉफिट कि हमको मिनिमम टाइम में काम खत्म करके मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना है, तो वो हमेशा थोड़ा स्पीडी इंप्लीमेंटेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप पता है बाकी टॉपिक्स भी आते हैं उनमें भी लिख सकते हो। देन क्वालिटी सर्विस ऑल्सो, जो सेलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स हैं उनसे ये उम्मीद करी जाएगी कि वो रिलायबल रहेंगे, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस को देंगे, और उनके ऊपर एक सर्विस लीगल सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी साइन करा जाएगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के बीच में। तो उसमें ये रिक्वायरमेंट होगी कि आपको इतना मिनिमम MBPS तो सर्विस देना ही देना है, तो उतना आना ही चाहिए। तो एक रिलायबल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो भी इंश्योर करी जाएगी। इसके साथ ही मैं बेटर एक्सेस टू ई सर्विसेज ऑल्सो, एक्सटेंशन ऑफ रीच टू भारत नेट टू ऑल अन इनहैबिटेटेड विलेजेस ऑल्सो, जहाँ पे हालांकि कम लोग रहते हैं लेकिन क्योंकि दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया दे ऑल्सो हैव द इक्वल राइट एंड इक्वल आप ये बोल सकते हो कि उनको भी उतने ही बराबर का इंटरनेट मिलना चाहिए। तो दे विल ऑल्सो हैव द रिलायबल क्वालिटी एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू इंश्योर कि जितनी भी गवर्नमेंट या स्टेट की ई सर्विस स्कीम्स आती है, जैसे अभी कल परसों ही हम लोग हरियाणा सरकार की बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो ई गवर्नेंस स्कीम्स हैं वो मतलब जो क्या बोलते हैं हम उसको, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो हमारा फंड है इसको फुलफिल कर रही है। देन ऑग्यूमेंटिंग एप्लीकेशन ऑल्सो, ऑनलाइन स्टडी हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ई कॉमर्स हो गया। देखो हम ना अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग 5G की तरफ मूव कर जाते हैं। 5G की तरफ मूव करने से पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, सो दैट विल बी इंश्योर्ड बाय दिस। तो पहले बेसिक पे आते हैं फिर हम 5G पे मूव करते हैं ऐसे एरियाज के अंदर। तो ये एक एप्लीकेशन जो होती है, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, मेडिसिन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ई कॉमर्स हो, किसी भी तरीके वोकेशनल ट्रेनिंग हो, जो भी ई सर्विसेज अवेलेबल कराई जाती है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। देन इंक्रीज्ड रेवेन्यू ऑल्सो, और ये रेवेन्यू जो है डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट करा जाएगा, जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो वहाँ पे है उनको मिलेगा, जो सेल ऑफ डार्क फाइबर ऑल्सो, मोबाइल टावर का फाइबराइजेशन होगा, मतलब मोबाइल टावर से फाइबर लाइक फाइबराइजेशन ऑफ द मोबाइल टावर की ऑप्टिकल फाइबर जो है वो लगाई जाएगी। ई कॉमर्स ऑल्सो विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस द रेवेन्यू जनरेशन विल डेफिनेटली इंक्रीज। देन बेनिफिट फॉर रूरल एरियाज ऑल्सो की जो हम कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो करा था जिसके अंदर हमने डिजिटल डिवाइड ऑफ इंडिया की बात करी थी। तो मैंने दो करे थे, एक तो हमने करा था एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। तो चिल्ड्रन के लिए पर्टिकुलरली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब कोविड में सारे स्कूल्स बंद हो गए, सब कुछ ऑनलाइन एजुकेशन पे हो रहा है, और उसके साथ ही मैं आजकल जैसे यूट्यूब पे दिस वीडियो ऑल्सो यू आर वॉचिंग यूट्यूब पर, अगर आपके गांव में आपके घर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो हाउ वुड यू बी एबल टू वॉच दीज वीडियोज़। एंड सिमिलरली इसी तरीके से काफ़ी सारी ई एप्लीकेशन भी चलती हैं, ई सर्टिफिकेशन भी चलता है। तो इफ़ यू डोंट हैव दी एडिक्वेट डिजिटल फैसिलिटी अवेलेबल टू यू, आप उनको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये वाला जो गैप है ये अर्बन और रूरल एरिया के अंदर रह जाता है, कि रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी आती नहीं है, एंड ऑल्सो उनका इकोनॉमिक लेवल भी कम होता है, तो उनको इतनी हाई सर्विसेज जैसे कितना मिलेगा, 5 GB 2 GB 2 GB पर डे भी मिलता है, तो भी आप अगर दिन में 2-4 घंटे की यूट्यूब वीडियोज़ भी देखते हो तो वो 2 GB ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा चीप रेट पे मोबाइल डाटा को अवेलेबल करवाया जाएगा, एंड दिस विल रिड्यूस द रूरल अर्बन डिजिटल गैप ऑल्सो। और ये डिजिटल इंडिया तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक ये गांव के हर एक कोने तक नहीं पहुंच जाता है। शहरों में तो इंटरनेट है, शहरों की चिंता ही नहीं है, चिंता गाँवों की है कि वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है ये, तो ये उसको यहाँ पर सक्सेसफुल करेगा। अब थोड़ा सा देखो रिवाइज करवाती हूँ आपको, भारत नेट क्या है। भारत नेट एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट था ये। इसमें 100 MBPS का डेटा जो है वो लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करा गया था कि हम लोग ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे। एम यही था कि 2 MBPS से 20 MBPS सारे हाउस होल्ड जितने भी हाउस होल्ड्स हैं रूरल इंडिया के अंदर उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि ये रूरल इंडिया पे फोकस्ड है, अर्बन एरियाज़ में तो है डेटा, अर्बन एरियाज़ में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि देखो लगभग ओनली 60% ऑफ जो ग्राम पंचायत हैं वो सर्विस रेडी अवेलेबल कराए गए हैं, और ये 60% 1.57 लाख के अंदर ही जस्ट 34% जो हैं लगभग 90 लाख के आसपास के ग्राम पंचायत ऐसे हैं जिनमें फाइबर टू दी होम प्रोवाइड कराया गया है। और इसमें यह भी होता है कि एक बार अगर ग्राम पंचायत पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई है तो उसके बाद ये गवर्नमेंट उम्मीद करती है प्राइवेट प्लेयर से कि वो एक जो लीज बैंडविड्थ है कि आपको जैसे 2 to 20 MBPS है इतना तो आपको देना ही देना है और ये लास्ट माइल तक पहुंचना चाहिए, तो इतना कम से कम 250 रुपये आपको लगेंगे
और आपकी इतनी स्पीड आ जाएगी, क्योंकि आप मान लो कि आपका रिजल्ट ही आया 10th का, आप उस पेज को खोल के बैठे हो 1 घंटे तक वो खुल ही नहीं रहा है, तो व्हाट इज़ द सेंस ऑफ सच इंटरनेट सर्विसेज, राइट? तो उसको स्पीड प्लस लास्ट माइल कनेक्टिविटी दोनों इम्प्लीमेंट करी जाएगी। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है। ये एक SPV है, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया है, जिसमें लगभग 80% तक का जो भारत नेट है वो BBNL ही इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन अब अगर PPP आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रूजन PPP प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। भारत नेट का फंडिंग कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है? ये USOF का प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या होता है कि कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जो गवर्नमेंट को फुलफिल करनी ही है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? USOF के अंदर AGR का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद में वो USOF के अंदर फंड जाता है। ये नॉन लैप्सेबल फंड होता है। सपोर्ट कहाँ से, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया, BSNL हो गया, रेलटेल हो गया, PGCIL हो गया, ये सब ब्रॉडबैंड कनेक्शंस इनको प्रोवाइड करेंगे, भारत नेट को सपोर्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंस क्या है भारत नेट की? सबसे पहला तो है कि दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट इन द होल वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल कनेक्टिविटी स्कीम है, जिसमें जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन सबको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट करा जाएगा। ये स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे, डजेंट मैटर आपका कौन सा गांव है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एवरीवन एट एन इक्वल स्टेटस इनको इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। देन स्टेट्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्री फॉर द राइट ऑफ वे फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑप्टिकल फाइबर। राइट ऑफ वे क्या होता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर बिछती है ना, वो जहाँ से बिछ रही है वहाँ पे इनको परमिशन लेना पड़ता है, वहाँ पे खुदाई होगी, तो कभी कभी जैसे ऑयल की पाइपलाइंस हो गई हैं या दूसरे भी अगर जो वायर्स होते हैं अगर वो डिलीवर रहते हैं तो कभी कभी क्या कट जाता है। एंड ऑल्सो दे नीड टू हैव द राइट ऑफ वे ऑल्सो। कभी कभी राइट ऑफ वे नहीं मिलता है तो फिर ऑप्टिकल फाइबर को ऊपर से टावर टू टावर यहाँ पे खींचा जाता है, काफ़ी सारी इसमें दिक्कत रहती है। देन ऑल्सो इट विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑल्सो। वाईफाई एरिया, यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे, जहाँ से आप आराम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड यूज़ कर सकते हो। दिस विल ऑल्सो हैव एडवांटेज कि इसमें ईजी मेंटेनेंस है, मतलब आई हैव ऑल्सो सीन के किस तरीके से भारत नेट चलता है, तो मैं आपको कमियां भी बताऊंगी कि जो हमने देखी थी इसमें दिक्कत क्या है, एंड ऑल्सो वट आर द चैलेंजेस इन टू दैट। बट फ्यू थिंग्स विच वर वेरी गुड विद दैट, कि एक तो उसका फास्टर इम्प्लीमेंटेशन है, आप डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बिछा दो, यू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटी रिक्वायर्ड फॉर दिस, एंड देन यू इजिली कैन प्रोवाइड द इंटरनेट फैसिलिटी। मतलब दिस वी हैव सीन इंटरनेट फैसिलिटी टिल द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऑल्सो। लाइक इंडिया पाकिस्तान का जो पंजाब में बॉर्डर है, वी हैव सीन अ वेरी वेरी गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी टिल दैट एरिया ऑल्सो। हालांकि वहाँ पे पाकिस्तान रेडियो कैच करता है, बट दिस वॉज अ वेरी गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड इट ऑल्सो बूस्ट द इकोनॉमी ऑल्सो, क्योंकि जो मतलब यू नो इट विल गिव यू डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग, इट विल गिव यू डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऑल्सो कहाँ पे है, और हमारे जो डिफरेंट इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सबको ये हेल्प करेगा फुलफिल होने के लिए। आप इसको बड़े पिक्चर की तरह देख के सोचो कि दिस इज़ प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू एवरीवन, मतलब एंड ऑल्सो इट इज़ ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑल्सो कि अच्छा इंटरनेट है तो आप इसके साथ ये वाला काम कर सकते हो। सो इट इज़ मोर लाइक कि जब आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसको यूटिलाइज़ करोगे ही करोगे, अगर कोई है ही नहीं तो आप यूटिलाइज़ करने का सोचोगे ही नहीं। सो इफ़ यू हैव द भारत नेट, इफ़ यू हैव द इंटरनेट फैसिलिटी, डेफिनेटली नॉट मे बी नाउ बट आने वाले फ्यूचर जनरेशन या जो भी हम बच्चे लोग भी हैं, हम वी विल ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग इट मोर फॉर दी गुड पर्पज। बट वट वेंट रॉन्ग, क्यों इसको रिवाइज करना पड़ा, वट हैपेंड? तो एक CAG का रिपोर्ट आया था, UPA गवर्नमेंट के दौरान ही ये रिपोर्ट आया था, तो उसमें CAG ने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी सारे इश्यूज़ पॉइंट आउट करे, तो उनमें से ये सारे इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन हैं। पहला था कि जो बिडिंग प्रोसेस होता है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारा लोचा है, काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, तो सबसे पहले तो बिडिंग प्रोसेस ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरा कि इसकी जो फुल एक जो फुल टाइम ऑफिशियल एक अपॉइंट करना चाहिए BBNL के अंदर, कि ये जो बंदा है, ये पर्टिकुलर XYZ पर्सन इस एरिया में इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा, इस एरिया में इम्प्लीमेंटेशन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस तरह का कोई एक ऑफिशियल जो है वो अपॉइंट नहीं करा गया है। दूसरा जो मैपिंग GIS मैपिंग ऑफ फाइबर है, GIS मैपिंग में क्या होता है कि कहाँ कहाँ से फाइबर निकली है, कहाँ कहाँ पर इक्विपमेंट लगाया गया है, OMCs लगाई गई हैं, OMG लगाए गए हैं, वो सारे एरियाज GIS के अंदर होने चाहिए, एक मोबाइल एप्लीकेशन टाइप होना चाहिए। मतलब वी हैव बीन टू द BBNL ऑल्सो, तो वहाँ पे आपको
मतलब इट्स ऑल अ वेरी वेरी बिग पिक्चर, बट द पॉइंट इज कि जी आई एस मैपिंग का एबसेंट है. जी आई एस मैपिंग अगर होती है तो यू कैन पिन पॉइंट कि अच्छा ये वाली ग्राम पंचायत है, इसमें डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना डेटा आ रहा है, क्या गड़बड़ है इसके अंदर. देन पुअर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि लगा दिया है बहुत बार तो लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा ऐसा कुछ लगा हुआ भी है क्या, वाईफाई हॉटस्पॉट भी है क्या. देन समटाइम्स दे पुट पासवर्ड्स ऑल्सो, तो फिर कोई देखता ही नहीं, एंड एवरीबडी स्टार्ट कीप यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स ओनली, दे कीप यूजिंग देयर डेटा ओनली. तो डेटा ठीक है सबके पास होता है आजकल, ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी सारे लोगों के पास है, बट स्टिल यू नो लाइक स्टिल दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन एंड वी वॉन्ट इट टू बी फॉर एवरी वन. तो अवेयरनेस एंड पुअर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये भी कुछ ऐसे तरीके थे. और दूसरा है कि अगर क्योंकि इसमें ना कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है, जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है उसका अगर वो नहीं है तो उसकी वजह से कोई पेनल्टी नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर ने अगर इतना MBPS का डेटा नहीं दिया है या जो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी पर मेंटेनेंस होनी चाहिए थी अगर वो नहीं हुई है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है. तो एक ये थोड़ा बड़ा सा दिक्कत है. तो इस तरीके से काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, बट वी जस्ट होप कि PPP मॉडल के साथ में काफ़ी सारे इसमें इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया के ड्रीम को प्रूव करने के लिए दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन टू दैट ऑल्सो, सो इट शुड गो वेरी वेरी सक्सेसफुल. वेल दिस इज इट, मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_buddha पे सर्च करके जुड़ सकते हैं. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए. जय हिंद.